कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, CGPSC ई पाठशाला के द्वारा CGPSC प्री 2022 का टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप इस टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन हमारे CGPSC ई पाठशाला के मोबाइल ऐप में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टेस्ट शुरू होगा आपके 20 नवंबर से जो है आपका टेस्ट शुरू होगा। ये चलेगा आपके 31 जनवरी तक, लगभग 6 डेज का गैप है। तो जो भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो CGPSC ई पाठशाला के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टेस्ट किस प्रकार से होगा, टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, टेस्ट का PDF को डाउनलोड कैसे करना है, टेस्ट का टाइम शेड्यूल क्या है, इस सभी के सभी आपका पूरा एक डिटेलिंग वीडियो YouTube पर इससे पहले ही अपलोड कर दिया गया है। आप उस वीडियो को भी देख करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ CGPSC ई पाठशाला के मोबाइल ऐप में भी अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी सारा के सारा टेस्ट का टाइम शेड्यूल अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने टेस्ट सीरीज के रजिस्ट्रेशन का डिटेल डाला था टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पे, उसके बाद बहुत से स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप में, कुछ क्वेरीज आ रही है कि CGPSC प्री का एग्जाम होगा या नहीं। ठीक है, आप सभी को पता है कि आरक्षण के कारण बहुत सी वैकेंसी अटक गई है, बहुत से जो आपके एग्जाम है जिसके एग्जाम डेट कंफर्म हो गए थे उन्हें भी स्थगित कर दिया गया है। इस कारण से बहुत से स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर CGPSC प्री का एग्जाम होगा या नहीं, यानी कि स्टेट सर्विस एग्जाम। देखिए, अभी अगर मैं टू बी ऑनेस्ट चीजों को बताऊं तो आरक्षण के कारण वैकेंसियां अटकी हुई है और इसका आगे क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो CGPSC स्टेट सर्विस एग्जाम है, यानी कि जो CGPSC प्री के जो नोटिफिकेशन है, ये आपके नवंबर मंथ के एंड तक आते हैं। ठीक है, अभी आएंगे या नहीं आएंगे ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं अगर CGPSC स्टेट सर्विस एग्जाम, राज्य सेवा परीक्षा, जो आपके CGPSC प्री एग्जाम की अगर मैं बात करूं, अगर इसके पिछले 5-6 सालों के अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो बहुत सा टाइम ऐसा हुआ है कि उस ईयर जीरो ईयर घोषित होने वाला था, लेकिन एट द एंड PSC ने नोटिफिकेशन जारी किया। इससे पहले ही बहुत से ऐसे हुए। देखिए, मैं बाकी एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं ना ही व्यापम के एग्जाम की बात कर रहा हूं और ना ही PSC के द्वारा लिए जाने वाले कोई दूसरे एग्जाम, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो स्टेट सर्विस एग्जाम है, यानी कि जो CGPSC प्री, CGPSC मेंस और जो इंटरव्यू, ये जो स्टेट सर्विस एग्जाम है ये एट द एंड नवंबर में ही आपके इसके नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं। आरक्षण के कारण डिले होगा या क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, आज से 2 साल पहले भी दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल आया था जिसमें उसने दावा किया था कि इस साल PSC का जीरो ईयर होगा करके, लेकिन लास्ट में PSC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अभी हाल ही में जो है आपका एक दैनिक भास्कर का फिर से आर्टिकल आया है कि CGPSC यानी कि आयोग के द्वारा जो है टोटल 190 पदों की स्वीकृति ली गई है, लेकिन आरक्षण के कारण अभी जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ नई दुनिया का भी एक आर्टिकल आया जिसमें वो कह रहा है कि इस साल CGPSC का जीरो ईयर घोषित होगा, लेकिन जब तक इस नवंबर माह के अंत तक पूरी चीजें क्लियर नहीं हो जाती, लगभग आपके 26 से 28 नवंबर के आसपास PSC का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर उसका एक ऑफिशियल डेट है, जिस डेट में वो जो है अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करता है। तो जब तक वो डेट में आपका कंफर्मेशन हमें मिल नहीं जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और वैसे भी अभी आगामी कोई भी एग्जाम नहीं है, घर में है, तैयारी कीजिए, बहुत हो गया फेस्टिवल एंजॉय, बहुत हो गया दीपावली, सब चीज आपके पूरे फेस्टिवल एंड हो चुके हैं। अभी अब आपके पास करने के लिए आगे कुछ नहीं है, कोई भी एग्जाम नहीं है तैयारी करने के लिए, एक ही चीज है आपके पास CGPSC प्री। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि टेस्ट सीरीज हो रहा है करके, देखिए ये सब टेस्ट सीरीज अलग मैटर है। CGPSC ई पाठशाला के द्वारा हर साल टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया जाता है, वो इसी टाइम ड्यूरेशन में कराया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों के जो डाउट्स है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे तो इस भ्रम में मत रहिए। हो सकता है कि आप अभी फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं, आप अभी हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं, अचानक से नोटिफिकेशन आ गया और आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं है। ठीक है, तैयारी कंटिन्यू रखिए। केवल आपके CGPSC प्री की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे SI भर्ती परीक्षा का हो या शिक्षक भर्ती परीक्षा का हो, तैयारी कंटिन्यू रखिए। अचानक से कभी भी कुछ भी फैसला आ सकता है, आरक्षण के ऊपर फैसला आ सकता है, अचानक से नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, एग्जाम के डेट आपके डिक्लेयर हो सकते हैं और उस समय आप उन चीजों के लिए रेडी नहीं रहेंगे। तो तैयारी कंटिन्यू रखिए, एग्जाम जब भी होगा उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करेंगे अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स पर। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपके राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022। ठीक है, अब इसमें जो जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान समझना। अभी जो है इस साल हमारे प्रदेश का तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित हुआ।
हमारे प्रदेश में जो है राज्योत्सव के साथ साथ, ठीक है, राज्योत्सव के साथ साथ जो है आपका राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी आयोजन हुआ। ठीक है, देखिए ये हमारे प्रदेश का तीसरे नंबर का आपका राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव था, इसको याद रखना है। कौन से नंबर का संस्करण था? तीसरे नंबर का संस्करण था। पहला हुआ था आपके 2019 में, उसके बाद हुआ था 2021 में, और अभी हुआ है आपके 2022 में। ये तीसरे नंबर का आपका राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव था। ठीक है, देखिए 2020 में कोरोना के कारण कोई भी आपके आयोजन नहीं हुए थे। 2019 में पहला हुआ था, 2021 में दूसरा हुआ, 2022 में तीसरा हुआ। तो कौन से नंबर का संस्करण है? तृतीय नंबर का संस्करण है। तो हमारे प्रदेश में इस साल 2022 में तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ। कथन आधारित प्रश्न बन सकता है, ठीक है, उसमें दूसरा बोल सकता है, तीसरा बोल सकता है, चौथा बोल सकता है, पांचवा बोल सकता है। ठीक है, राज्योत्सव के साथ आयोजित हुआ। लेकिन ध्यान देना, ये जो हमारे छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव, राज्योत्सव यानी कि राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर 2000 को जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया, उसके उपलक्ष में हम राज्योत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, ये जो राज्योत्सव है, ये राज्योत्सव हमारे प्रदेश का 23वां राज्योत्सव है। कौन से नंबर का है? 23वां राज्योत्सव। ठीक, यहां पर लिखा भी हुआ है कौन से नंबर का राज्योत्सव है, 23वां राज्योत्सव है, 23वां राज्य स्थापना दिवस था। जबकि आदिवासी नृत्य महोत्सव कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का है। तो सारे चीजों को एकदम क्लियर कट अपने माइंड में क्लासिफाइड कीजिएगा। 23वें नंबर का आपका राज्योत्सव था, जबकि तीसरे नंबर का राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव पे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों से जो है ग्रुप आकर के अपना परफॉर्म किए, यानी कि अपने नृत्य की, आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति दिए, साथ ही साथ भारत के राज्यों के साथ साथ दूसरे देश के कलाकार भी आकर के अपने नृत्य की प्रस्तुति दिए इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में। ध्यान दीजिएगा, इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 10 देशों के कलाकार शामिल हुए। ठीक है, शुरू में 9 थे, फिर बाद में हो गए 10। ठीक है, पहले के जो आपके अगर न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़े होंगे तो उसमें जो है बताया गया था कि 9 देश के कलाकार, 9 देशों के कलाकार शामिल हो रहे हैं, लेकिन लास्ट में टोटल संख्या हो गई 10। तो टोटल 10 देश के कलाकार जो है इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल हुए। कौन कौन से थे? एक था आपका मोजाम्बिक, दूसरा टोगो, तीसरा मंगोलिया, चौथा रूस, पांचवा मालदीव, छठवा इंडोनेशिया, सातवा सर्बिया, आठवा न्यूजीलैंड, नौवा इजिप्ट और दसवा है आपका रवांडा। ठीक है, ये गवर्नमेंट जनसंपर्क के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था, जिसमें बताया गया था कि टोटल 10 देश के कलाकार शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो भारत के विभिन्न राज्यों के कलाकारों के साथ साथ दूसरे देशों के, 10 देशों के कलाकार भी इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल हुए। देखिए इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में जो नृत्य की थी वो दो विधाएं थी, एक थी आपकी फसल कटाई श्रेणी और दूसरी थी विवाह संस्कार एवं अन्य श्रेणी, यानी कि दो विधाओं में नृत्य की प्रस्तुति देना था। एक था फसल कटाई श्रेणी पर और दूसरा था आपका विवाह संस्कार व अन्य श्रेणी पर, और उन कलाकारों की नृत्य प्रस्तुति के आधार पर उन्हें पुरस्कृत किया जाना था। तो ध्यान दीजिएगा, इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में परफॉर्मेंस के बेस पर प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में जो है 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन भी हो चुका है। ठीक है, इसके समापन में जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे आपके झारखंड के मुख्यमंत्री। ठीक है, झारखंड सीएम कौन थे? आपके हेमंत सोरेन ये जो है आपके शामिल हुए थे, इन्हें भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्टर आपका प्रश्न पूछ देगा या कथन आधारित प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन में मुख्य अतिथि कौन थे? वो थे आपके झारखंड के मुख्यमंत्री। ठीक है, अब देखिए, अब जो प्रथम स्थान पर, जो अलग अलग विधा के आधार पर, फसल कटाई श्रेणी के आधार पर, विवाह संस्कार एवं अन्य श्रेणी में कौन सा राज्य जो है आपके प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान पर रहा? अगर हम बात करें फसल कटाई की श्रेणी में, तो फसल कटाई की श्रेणी में हमारा छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर था। छत्तीसगढ़ के द्वारा जो कर्मा नृत्य की प्रस्तुति की गई, वो कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा। द्वितीय स्थान पर रहा आपका ओडिशा का ढेसना नृत्य, जबकि तृतीय स्थान पर रहा हिमाचल प्रदेश का गद्दी नृत्य, याद रखना है। ठीक है, इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में
फसल कटाई की श्रेणी विधा में जो है आपका प्रथम स्थान पर रहा छत्तीसगढ़ का कर्मा नृत्य, द्वितीय स्थान पर रहा उड़ीसा का ढेसना नृत्य और तृतीय स्थान पर रहा आपका हिमाचल प्रदेश का गद्दी नृत्य। अगर हम बात करें विवाह संस्कार एवं अन्य श्रेणी में, विवाह संस्कार एवं अन्य श्रेणी की बात करें तो सिक्किम रहा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर रहा उड़ीसा और तीसरे स्थान पर रहा झारखंड। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो डाटा आया है इस पुरस्कारों का, उसमें केवल केवल राज्यों का नाम बताया है, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड। फसल कटाई के श्रेणी में तो राज्यों के नाम और उनका नृत्य भी बताया गया है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो आपका ये जो विवाह संस्कार के जो डाटा पब्लिश हुए हैं उसमें केवल आपके राज्यों के नाम बताया गया है कि प्रथम स्थान पर सिक्किम रहा, दूसरे स्थान पर उड़ीसा रहा और तृतीय स्थान पर जो है झारखंड रहा। लेकिन दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि विवाह संस्कार की श्रेणी में सिक्किम के द्वारा जो आपका तमांग सेलो नृत्य की जो प्रस्तुति दी गई थी इसे प्रथम स्थान दिया गया, उड़ीसा द्वितीय स्थान पर रहा, उड़ीसा के द्वारा कौन से नृत्य की प्रस्तुति की गई ये दैनिक भास्कर में भी नहीं बताया गया, और तीसरा झारखंड के द्वारा दमनच नृत्य की प्रस्तुति दी गई थी ये तृतीय स्थान पर रहा। यहां पर ध्यान दीजिएगा ये जो आपका उड़ीसा जो है ये फसल कटाई श्रेणी में और आपके विवाह संस्कार की श्रेणी में दोनों में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो जो है आपके नृत्य की कितनी विधाएं थी, नृत्य की आपकी दो विधाएं थी, एक था आपका फसल कटाई श्रेणी और दूसरा था आपका विवाह संस्कार और अन्य श्रेणी। पहले स्थान पर फसल कटाई श्रेणी में छत्तीसगढ़, दूसरे में उड़ीसा, तीसरे में हिमाचल प्रदेश, जबकि विवाह संस्कार श्रेणी में प्रथम नंबर पर है सिक्किम, दूसरे नंबर पर है उड़ीसा और तीसरे नंबर पर है झारखंड। और इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 10 देशों के कलाकार शामिल हुए थे। ठीक है, और इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का जो आयोजन है ये 1 से लेकर के 3 नवंबर, ठीक है, 1 से लेकर के 3 नवंबर के मध्य हुआ। ठीक है, 3 दिवसीय था, 1 से लेकर के 3 नवंबर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव से रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट बताए उसे याद रखिएगा। और इसका आयोजन कहां हुआ, साइंस कॉलेज मैदान। ठीक है, साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में जो है इसका आयोजन हुआ था। ठीक, तो ये सारे फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 23वां छत्तीसगढ़ राज्योत्सव। देखिए, राज्योत्सव के साथ साथ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी आयोजन हुआ, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो हमारे प्रदेश का जो 23वां छत्तीसगढ़ राज्योत्सव है इसका शुरू में जो डेट डिसाइड किया गया था ये था 1 से लेकर के 3 नवंबर। ठीक है, 1 से लेकर के 3 नवंबर तक जो है इस राज्योत्सव और छत्तीसगढ़ का जो है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव दोनों का आयोजन किया जाएगा। लेकिन जो आपका छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है उसका समापन तो आपका 3 नवंबर 2022 को हो गया, और इस राज्योत्सव का जो डेट है इसे एक्सटेंड करके कर दिया गया 6 नवंबर। ठीक है, 6 नवंबर यहां पे जो है जो आपका जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, जो अलग अलग विभागों के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई, जैसे वन विभाग, कृषि विभाग, ठीक है, विद्युत विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, तो उनकी जो स्टॉल लगाए गए थे, जो मेगा स्टॉल लगाए गए थे और जो फूड स्टॉल लगाए गए थे वो वहां पे अभी 6 नवंबर तक रहेंगे। ठीक है, एक आपका एक नोटिस जारी किया गया था जिसे बताया गया कि 6 नवंबर तक जो है ये राज्योत्सव के जो स्टॉल है वो रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन 1 से लेकर के 3 नवंबर 2022 तक हुआ और राज्योत्सव का जो आयोजन है ये 1 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर तक हुआ। ठीक, देखिए 1 से लेकर के 6 नवंबर इसमें आपको केवल एक चीज याद रखना है, राज्य अलंकरण पुरस्कार। ठीक है, राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022 वितरित किया गया। अब जो राज्य अलंकरण पुरस्कार है ये टोटल 33 विधाओं में, यानी कि टोटल जो है आपके 33 कैटेगरी, 33 जो अलग अलग श्रेणियां हैं, ठीक है, उसमें जो है 41 विभूतियों को, यानी कि 41 व्यक्ति एवं संस्थाओं को सम्मानित किया गया। अब कौन कौन सा पुरस्कार किन किन व्यक्ति विशेष को या किन किन संस्थानों को प्रदान किया गया वो सारा चीज मैं यहां नहीं बता सकता। टोटल आपके 33 आपके पुरस्कार है। ठीक है, उन 33 पुरस्कारों की एक सूची टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, सीजीपीएससी ई पाठशाला का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें अपलोड किया गया है, वहां से जाकर के आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक, वो पूरा का पूरा जो आपके 33 जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, 33 विधाओं में जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उसे। हाँ, एक चीज ध्यान देना, अब जो है सीजीपीएससी ई पाठशाला के टेलीग्राम चैनल के कॉपीज हो रहे हैं, अलग अलग जो है हमारे फोटोज को कॉपी करके उसको अपना लोगो बना करके उस ग्रुप का भी नाम वही रख करके अपना टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, जो सीजीपीएससी ई पाठशाला का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसमें 31,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। ठीक है, 31,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर मौजूद है और वही हमारा आपका ऑफिशियल सीजीपीएससी ई पाठशाला का टेलीग्राम चैनल है। मैंने टेलीग्राम में भी आपको शेयर किया था और रिपोर्ट करने के लिए भी आपसे बोला था,
अब किन्होंने रिपोर्ट किया किन्होंने नहीं किया, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा समय मिले तो जो फर्जी जो आपके टेलीग्राम चैनल बने हुए सीजीपीएससी ई पाठशाला के, उन्हें जाकर के रिपोर्ट कीजिए। नाम का मिसयूज कर रहे हैं, लोगों का मिसयूज कर रहे हैं और स्टूडेंट को जो है बहका रहा है। वो अपने स्तर पर अपना टेस्ट सीरीज सेल करेंगे या अपने नोट सेल करेंगे। एक तो मध्य प्रदेश, कोई मध्य प्रदेश की कोई आपकी एक पब्लिकेशन है वो सीजीपीएससी ई पाठशाला के नाम से अपना लोगो और अपना जो है टेलीग्राम चैनल चला रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे जो आपके फेक अकाउंट है उनसे थोड़ा बचिएगा। एक चीज ध्यान रखना, सीजीपीएससी ई पाठशाला में अभी एट प्रेजेंट 71,000 प्लस सब्सक्राइबर है, ठीक है, और वही हमारा आपका टेलीग्राम चैनल है। सीजीपीएससी टेलीग्राम में जाकर के आप सर्च करेंगे सीजीपीएससी ई पाठशाला, आपको उसमें जो है 71,000 सब्सक्राइबर करके अलग से दिख जाएगा, उसे जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो फेक अकाउंट है उसे प्लीज रिपोर्ट कर दीजिए ताकि ऐसे धोखेबाजों से अन्य छात्र बच सके, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो वहां से जाकर के आप पूरे के पूरे जो 33 जो आपके पुरस्कार है उन्हें याद कीजिएगा। देखिए इन पुरस्कारों से प्रश्न पूछा जाता है, इन पुरस्कारों से प्रश्न पूछा जाता है, सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। एक तरफ जो है आपके तीन या चार पुरस्कार दे देगा और उस पुरस्कार के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम दे देगा और बोलेगा कि सुमेलित कीजिए या निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है गलत है, ऐसे प्रश्न पूछता है। और एक डाटा आपको याद रखना है, कथन आधारित प्रश्न नहीं पूछ सकता है या फिर सिंगल वन लाइनर प्रश्न नहीं पूछ सकता है कि आपके 23वें छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के दौरान कुल कितने श्रेणियों में या कुल कितने विधाओं में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किए गए। तो टोटल कितने विधाओं में प्रदान किए गए, 33 विधाओं में, इसको याद रखना है। और कितने लोगों को सम्मानित किया गया, कितने विभूतियों को सम्मानित किया गया, तो टोटल 41 विभूतियों को सम्मानित किया गया, ठीक है। अब दूसरा चीज एक और याद रखना, अक्टूबर महीने में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया था कि कौशल्या माता के नाम पर, लक्ष्मण मस्तूरिया के नाम पर और खुमान साहू के नाम पर जो है पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा राज्योत्सव के दौरान, ठीक है। कौशल्या माता पुरस्कार जो कि रामायण मंडली, ठीक है, रामायण मानस मंडली के जो आपके श्रेष्ठ जो प्रस्तुति करता रहेंगे उन्हें प्रदान किया जाएगा। लक्ष्मण मस्तूरिया के नाम पे जो आपका राज्य अलंकरण पुरस्कार है वो लोक गीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा। और खुमान साहू के नाम पर जो आपका पुरस्कार है ये लोक संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 5 अक्टूबर को किया गया था। लेकिन जो राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है उसमें ये तीनों के तीनों जो आपके पुरस्कार है इसका कोई भी जिक्र नहीं है, या तीनों के तीनों पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए। घोषणा जरूर किया गया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कि ये तीन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, माता कौशल्या, लक्ष्मण मस्तूरिया और खुमान साहू के नाम पर। माता कौशल्या के नाम पर रामायण मंडली को प्रदान किया जाएगा, लक्ष्मण मस्तूरिया के नाम पर लोक गीत के क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति विशेष को दिया जाएगा, खुमान साहू के नाम पर जो है लोक संगीत के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह घोषणा किया गया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। लेकिन इन 33 विधाओं में कहीं भी ये तीन पुरस्कारों का जिक्र नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया था। तो ये सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2400 साल पुरानी मुहरे, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश के रायपुर जिले के आरंग ब्लॉक के अंतर्गत आता है एक ग्राम रीवा ग्राम, ठीक है। ये जो आपका आरंग और ये जो रीवा ग्राम है ये एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पे बहुत से आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त हो रहे हैं, काफी पहले से प्राप्त हो रहे हैं और अभी तक आए दिन कोई ना कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पुरातात्विक साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं। अभी हाल ही में 2400 साल पुरानी मुहरे यहां से प्राप्त हुई है, ठीक है, मुहरे प्राप्त हुई है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है आपका आहत मुद्रा। आहत मुद्रा क्या होता है? आहत मुद्रा का मतलब होता है पंचमार्क, ठीक है। आहत मुद्रा का मतलब क्या होता है? पंचमार्क मुद्रा। पंचमार्क मुद्रा यानी कि जैसे कि कोई एक मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर जैसे कि स्टाम्प आता है, रबड़ स्टाम्प आता है, वैसे ही एक आपका मार्का बना करके उसे मिट्टी के ऊपर आहत करके उसमें चिन्ह उकेरा जाता है, वो कहलाता है आहत मुद्रा, ठीक है। इस आहत मुद्रा जो है इसे देखिए, हिंदुस्तान की यह सबसे पहली मुद्रा थी। शुरू में जो है आहत मुद्रा का प्रचलन था, बाद में धातुओं की जो आपकी मुद्रा है वो प्रचलन में आई। हिंदुस्तान की पहली मुद्रा थी, इसे पंचमार्क मुद्रा भी कहा जाता है। खुदाई में जो है इसके टोटल 5 सिक्के या 5 पीस मिले हैं, कहां से? रीवा ग्राम आरंग से। ताम्र मुद्रा यानी कि तांबे की जो है 300 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जो कि कुषाण काल के है, ठीक है, कुषाण काल के है, कुछ जो है 1700 साल पुराने हैं, ठीक है। तो कुषाण कालीन यहां पे जो है तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है। जनपद मुद्रा, जैसे कि आप सभी को पता होगा हमारा जो आपका जो भारत देश है टोटल 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, ठीक है, 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो काशी
काशी के जो है एक दो सिक्के, यहां पर जो है चार सिक्के मिले हैं जो 2000 साल पुराने हैं। जनपदों में अलग अलग मुद्राएं चलती थी, 16 महाजनपदों में एक दो जो है ये काशी महाजनपद की मुद्रा है, ये मिली है यहां से। सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, सोने के सिक्के इनमें जो निशान मिले हैं वे छठवीं शताब्दी में शरभपुरी वंश हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय राजवंश था, शरभपुरी वंश के है। तो सोने के सिक्के मिले हैं और उस सिक्के में निशान के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है शरभपुरी राजवंश के है। साथ ही साथ यहां पे कुछ मुद्रा मुहरे भी मिली है। मुहरे देखिए, मुद्रा और देखिए मुद्रा के दो मतलब होते हैं, एक तो आपका जो सिक्के और दूसरा मुद्रा का मतलब होता है आपका स्टाम्प यानी कि प्रतीक चिन्ह। जैसे कि आपका जो स्टाम्प लगाया जाता है ना, जैसे रबड़ स्टाम्प से एक अपना सील लगाते हैं वो जो है उसे कहा जाता है, उसे भी मुद्रा कहा जाता है मुहरे, ठीक है। तो यहां पर जो है आपके आठ कुछ मुहरे मिली है, एक मेटल का है बाकी सभी मिट्टी के है, जिसमें ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है, ठीक है, जो कि मगध, ठीक है, यहां पे मगध होगा, मगध वंश में चलती थी ये मुद्राएं। तो देखिए यहां पर ये जो है कुछ यहां पे सैंपल यहां पे हुए, ठीक है, ये जो यहां पे कुछ सैंपल रखे हुए हैं, जैसे कि ये जो है आपकी आहत मुद्रा है, ठीक है, जो पंचमार का करके बनाई गई जो मुद्रा है आहत मुद्रा है। बाकी ये जो है ये आपकी जनपदों की मुद्रा है, महाजनपदों की मुद्रा है, ठीक। देखिए 2400 साल पुराने रीवा जो आपका ग्राम है, यहां 80 एकड़ का एक जल दुर्ग था। जल दुर्ग का मतलब क्या होता है, एक किला जो कि आजू बाजू पानी से घिरा होता है, एक जो है आपका जल दुर्ग था जिसमें चार दरवाजे थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस तरह के जल दुर्ग के बारे में बताया गया है वैसा ही यहां आपके रीवा ग्राम में एक जल दुर्ग था, ठीक है, चार दरवाजों के प्रमाण भी यहां पर मिलते हैं। तो ये रीवा ग्राम को याद रखिएगा, रीवा ग्राम जहां पर कुषाणकालीन, महाजनपदकालीन, शरभपुरी वंशकालीन, मगध वंशकालीन यहां पे सिक्के और मुहरे प्राप्त हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके गुरु घासीदास नेशनल पार्क में मिले हैं भित्ति चित्र। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, देखिए जो आपके गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, हमारे प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व। अब इस जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क का जो विस्तार है ये कोरिया जिले, मनेन्द्रगढ़ जिले, दोनों जिले में जो है इसका विस्तार है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर बात किया जाए कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क का किस जिले में है, कोई एक ऑप्शन अगर चुनना हुआ तो आप लेंगे कोरिया जिले को, क्योंकि कोरिया जिले में जो आपका सोनहत है वहां से जो है उसका जो है मुख्य एंट्रेंस गेट है, ठीक है। अगर कोई एक ऑप्शन लेना हुआ तो आप कौन सा लेंगे, कोरिया। बाकी इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार कोरिया के साथ साथ मनेन्द्रगढ़ पूरा का पूरा विस्तार है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो संजय नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश का, उससे पृथक होकर के बना है आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो मेन सबसे पहले कौन सा आता है, मनेन्द्रगढ़, उसके बाद आता है कोरिया, यानी कि इसका पूरा का पूरा जो विस्तार है कहां से कहां तक है, इसका जो विस्तार है कोरिया और मनेन्द्रगढ़ दोनों में है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क के अंतर्गत जो जनकपुर परिक्षेत्र है, जनकपुर परिक्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा, जनकपुर परिक्षेत्र आएगा आपके मनेन्द्रगढ़, ठीक है, मनेन्द्रगढ़ जिले के अंतर्गत आएगा। जनकपुर परिक्षेत्र में जो है 3 से 5 हजार वर्ष पुराने यहां पर भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक। यहां पर टोटल 14 साइट्स है जहां पर आपके एविडेंस मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। अभी जून के महीने में यहां पर लगभग 18 साइट्स यहां पर चिन्हांकित किए गए थे, अभी हाल ही में अक्टूबर में 6 और साइट्स यहां पर चिन्हांकित किए हैं, तो टोटल साइट्स की संख्या हो गई है टोटल 24, ठीक है। यहां पर अगर हम प्रमुख साक्ष्य की बात करें तो प्रमुख साक्ष्य में शिकार के औजार, जानवरों को बड़े पत्थरों में रखकर काटने के साक्ष्य मिले हैं। देखिए ये जो आपका जो पत्थर दिख रहा है, इस पत्थर में यहां पर जानवरों का सिर रख करके काटने के साक्ष्य मिले, जानवरों को बड़े पत्थरों में रख करके काटने के साक्ष्य मिले हैं, जानवरों के औजार मिले हैं, ठीक है। अन्य साक्ष्य की बात करें तो यहां के भित्ति चित्र में हिरण का चित्र, हाथी का चित्र, बायसन का चित्र, बारहसिंगा, मोर, सांप, सूरज आदि के चित्र भी यहां पर मिले हैं। जैसे कि यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पर वनस्पति जो आपका रंग का, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके यहां पर चित्र बनाया गया है, यह भी आपका भित्ति चित्र है। और यहां पर जानवरों को जो बड़े पत्थरों में रख करके काटने के जो साक्ष्य है उसका यहां पर फोटो है, ठीक है। तो ये मिला है कहां पर, गुरु घासीदास नेशनल पार्क पे, जहां पर आपके 24 साइट्स चिन्हांकित हुए हैं जहां शिकार के औजार और जानवरों को बड़े पत्थर में रखकर काटने के साक्ष्य मिले। ध्यान दीजिएगा, जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क के जो संचालक है उनका नाम है रंगानाधा रामकृष्ण, जो कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क के संचालक है। उनके द्वारा इन साइट्स के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है सेट्स ऑफ पास्ट, ठीक है, सेट्स ऑफ
पास्ट, ये पुस्तक के लेखक कौन है? रंगानाधा रामकृष्ण। इसका विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया। जो इस साइड्स में जितने भी आपके भित्ति चित्र मिले हैं उन सारे के सारे एविडेंस का जिक्र किया गया है इस सेट्स ऑफ पास्ट नामक पुस्तक पे। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का पहला हमर क्लिनिक। छत्तीसगढ़ का पहला हमर क्लिनिक, इसका उद्घाटन किया गया आपके सरगुजा जिले के अंबिकापुर के गोधनपुर में, ठीक है। गोधनपुर में खुला है हमारे प्रदेश का पहला हमर क्लिनिक। देखिए, इससे पहले करंट अफेयर में आप पढ़े होंगे हमर लैब, ठीक है, हमर लैब। ये जो हमर लैब है ये खुला है आपके पाटन ब्लॉक में। कहाँ? पाटन ब्लॉक दुर्ग में खुला था। ये क्या है? हमर क्लिनिक। हमर क्लिनिक जो है ये सरगुजा जिले के अंबिकापुर के गोधनपुर में खुला है हमारे प्रदेश का पहला हमर क्लिनिक। अभी हमर क्लिनिक है क्या? देखिए, छोटी मोटी बीमारियों के इलाज की सुविधा देने के लिए खोला गया है हमर क्लिनिक। जनरली क्या होता है, देखिए, गवर्नमेंट के जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ वो एक्चुअली बड़े इलाज के लिए, लेकिन जो आपके छोटी मोटी जो बीमारियां जैसे कि सर्दी हो गई, खांसी हो गई, जो फ्लू हो गया, उसके इलाज के लिए भी लोग इन बड़े अस्पतालें पहुँचते हैं, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी भीड़ आपकी इकट्ठा हो जाती है। तो उससे निपटारा के लिए उद्घाटन किया गया है हमर क्लिनिक का। हमर क्लिनिक जो कि छोटी मोटी बीमारियों के इलाज की सुविधा दी जाएगी इस हमर क्लिनिक में। देखिए, लक्ष्य क्या है, शहरी क्षेत्रों के मोहल्लों में लगभग ऐसे 182 क्लिनिक खोले जाएंगे, ठीक है। टोटल 142 क्लिनिक खोले जाने का लक्ष्य है। इसमें इस आपके हमर क्लिनिक केंद्र में 7 प्रकार के पैथोलॉजी जांच के साथ साथ 42 प्रकार की दवाइयां हमेशा उपलब्ध होगी, ठीक है। तो यह है आपके हमर क्लिनिक। हमर क्लिनिक जो कि छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए सुविधा देने के उद्देश्य से खोला गया है आपका हमर क्लिनिक। इसका उद्घाटन किया गया था आपके स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसको याद रखिएगा, टोटल लक्ष्य कितने का है? 182 हमर क्लिनिक खोले जाने का लक्ष्य है इस साल, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण केंद्र। मिलेट प्रसंस्करण, मिलेट का मतलब होता है आपके मोटे अनाज, ठीक है। प्रसंस्करण केंद्र यानी कि प्रोसेसिंग उद्योग से संबंधित है। देखिए, देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग यह कहां पर स्थापित किया गया? यह किया गया है आपके कांकेर जिले के नथियानावा गांव में। कांकेर जिले के नथियानावा गांव में प्रदेश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया गया, जिसका लोकार्पण किया गया 7 अक्टूबर 2022 को। 7 अक्टूबर 2022 को कांकेर जिले के नथियानावा गांव में इसका उद्घाटन किया गया। मिलेट्स का मतलब क्या होता है? कोदो, कुटकी, रागी और अन्य मोटे अनाज। देखिए, आप सभी को पता होगा कि प्रदेश सरकार जो है ये 30 रुपए प्रति किलो की दर से कोदो, कुटकी जो है 30 रुपए प्रति किलो की दर से, और रागी जो है ये 33.70 रुपए प्रति किलो की दर से। ध्यान दीजिएगा, यहां प्रति किलो है, प्रति क्विंटल नहीं है। 30 रुपए प्रति किलो की दर से कोदो और कुटकी, 33.70 रुपए प्रति किलो की दर से रागी खरीदी प्रदेश सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि प्रदेश सरकार के द्वारा मिलेट मिशन की शुरुआत की गई थी वर्ष 2021 से। इस मिलेट मिशन के अंतर्गत ही आपका देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया गया आपके नथियानावा गांव कांकेर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए, ये देश भारत की सबसे ज्यादा क्षमता वाली इकाई है ये अभी एट प्रेजेंट। इसका जो वार्षिक जो इसका प्रसंस्करण है यानी कि जो प्रोसेसिंग जो क्षमता है इसका एनुअली, ये रहेगी आपकी 10 से 12 हजार टन इसका कैपेसिटी है, क्षमता है, प्रोसेसिंग करने की क्षमता है। प्रतिदिन जो है 34 से 40 टन कोदो, कुटकी, रागी की आवश्यकता होगी इस उद्योग में, ठीक है। एक इकाई से 100 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। जिले के 4000 एवं राज्य के 25,000 किसान जो है इसमें अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका यहां पे जो उद्योग स्थापित किया गया है, मिलेट प्रोसेसिंग जो आपका उद्योग स्थापित किया गया है, इसकी क्षमता कितनी है? 10 से लेकर के 12,000 टन इसकी एनुअल कैपेसिटी है, वार्षिक क्षमता है, ठीक। देखिए, यहां पर जो बात किया जा रहा है आपका प्रसंस्करण की, यानी कि जो प्रोसेसिंग की बात की जा रही है, यह है क्या? देखिए, इस प्रसंस्करण इकाई में 7 प्रकार की मशीनों के द्वारा कोदो, कुटकी, रागी को प्रसंस्कृत करके यानी कि उसे प्रोसेस करके कोदो, कुटकी, रागी से चावल तथा इनका दलिया, सूजी, आटा, सेवाई, पास्ता, सूप, मिक्स, बिस्किट, कुकीज, लड्डू इत्यादि बनाए जाएंगे। यानी कि कोदो और कुटकी को प्रोसेसिंग करके अन्य खाने वाले इसके प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। कोदो, कुटकी जो कि आपका जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें जो हमारा जो बस्तर डिवीजन है, बस्तर संभाग है, बस्तर संभाग में एक तो नथिया नवा गांव में आपके मिलेट प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया गया है, इसके साथ साथ आपका काजू प्रसंस्करण केंद्र यानी कि काजू प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये बस्तर के बकावंड में स्थित है, वैसे ही आपका इमलेट प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये भी आपके बस्तर के लोहांडीगुड़ा के धुर्रा गांव में स्थापित है। तो आपका इसको याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कहां स्थापित किया गया है, कांकेर के आप नथिया नवागांव में, इंपॉर्टेंट है इसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बाल विवाह सर्वे रिपोर्ट 2022। हाल ही में जो है आपके एक बाल विवाह का सर्वे रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया गया, इसमें लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से पहले जो जिनकी शादी करा दी जाती है उसका एक आंकड़ा सामने आया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका रिपोर्ट है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये रिपोर्ट जारी किया गया, जारी करता था आपका रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसेस कमिश्नर ऑफिस के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया। देखिए अगर हम बात करें बाल विवाह का मतलब क्या होता है, हमारे देश में जो है लड़कियों के विवाह की आयु है 18 वर्ष और लड़के के विवाह की आयु है 21 वर्ष, लेकिन 18 वर्ष से पहले अगर लड़कियों का विवाह करा दिया जाता है तो यह कहलाता है बाल विवाह और यह गैर कानूनी है, ठीक है। लेकिन हमारे प्रदेश और साथ ही साथ भारत के अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह प्रचलित है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में जो बाल विवाह का जो परसेंटेज है वो है 1.9% राष्ट्रीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर कितना है 1.9%। अगर हम सर्वाधिक बाल विवाह वाला राज्य कौन सा है पूछा जाए तो वो है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य झारखंड, जहां पे बाल विवाह का परसेंटेज सर्वाधिक है 5.8%। और सबसे कम बाल विवाह कहां है, यह है केरल, केरल में तो बाल विवाह है ही नहीं, 0%। केरल एक आपका एजुकेटेड स्टेट है, पढ़ा लिखा, जहां पे लिटरेसी रेट सर्वाधिक है, ठीक है, एक शिक्षित राज्य है, यहां पर बाल विवाह है ही नहीं, 0%। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से ये बाल विवाह वाला, ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु में लड़कियों को जो विवाह होता है यानी कि जो बाल विवाह होता है उसका परसेंटेज है आपका 0.8%, 0.8%, ठीक है। इसके अलावा 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग में 41.5% लड़कियों का विवाह हो जाता है और 21 वर्ष से अधिक आयु में 57.8% लड़कियों का विवाह होता है। बाल विवाह वाला परसेंटेज कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन ना एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर पीएससी का प्रश्न बना था कि छत्तीसगढ़ का प्रजनन दर कितना है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का प्रजनन दर कितना है ऐसा प्रश्न आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो बाल विवाह का परसेंटेज है वो कितना है 0.8%, ठीक ठाक स्थिति में है छत्तीसगढ़, ठीक। अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाल विवाह है उसका परसेंटेज है 0.5% और शहरी क्षेत्रों में जो बाल विवाह का परसेंटेज है वो है 1.8%। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करके एवरेज निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, ये केवल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का है, इसमें आदिवासी बहुल क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, ये बहुत सी चीजें इसमें ऐड होने बाकी है, ठीक है, इसे याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इतना याद रखिए कि छत्तीसगढ़ में बाल विवाह का परसेंटेज कितना है, सर्वाधिक बाल विवाह वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम कौन सा है और अखिल भारतीय स्तर पर बाल विवाह का परसेंटेज कितना है, ये सारे फैक्टर को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके ऑनलाइन सूचना का अधिकार RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या होता है, जो जितने भी आपके गवर्नमेंट यानी कि शासकीय संस्थाएं हैं, जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिस है वहां पे आप RTI के माध्यम से उनसे सूचनाएं ले सकते हैं, उनके कार्यों से संबंधित उनसे सूचनाएं ले सकते हैं, यह है आपका सूचना का अधिकार, ठीक है, उनसे आप पूछ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो है हमारे प्रदेश जो है अब इस सूचना के अधिकार को कर दिया है ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप किसी भी आप शासकीय संस्था से जानकारी हासिल कर सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा हमारे प्रदेश में जो आपका आयोग है, ये जो कॉकिस आयोग के द्वारा, राज्य सूचना आयोग के द्वारा सूचना के अधिकार को ऑनलाइन कर दिया गया है, इसके लिए एक पोर्टल लाया गया है RTIonline.cg.gov.in, जो कि 24/7 यानी कि 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन ये आप इस वेबसाइट में जाकर के RTI फाइल कर सकते हैं। विशेष बात क्या है कि ऑनलाइन सूचना का अधिकार देने वाला हमारा छत्तीसगढ़ देश का 6वां राज्य है, इस रैंक को याद रखना है, ठीक है, ऑनलाइन सूचना का अधिकार देने वाला जो है हमारा छत्तीसगढ़ देश का 6वां राज्य है,
देखिए, इसके जरिए पहली और दूसरी अपील जो आपके आरटीआई है, इसमें पहली अपील भी लगाई जाती है, दूसरी अपील भी लगाई जाती है, ठीक है। पहली और दूसरी अपील भी की जा सकती है। सूचना के अधिकार कानून के तहत सूचना देने के लिए जरूरी शुल्क भी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन जमा किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, और 30 दिन के भीतर आवेदक को ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी कि आपको जो सूचना आयोग का जो आपका ऑफिस है वहां के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऑनलाइन जो है आरटीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान दीजिएगा, अभी वर्तमान में हमारे प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त तो कौन है, यह है धनवेंद्र जायसवाल, जबकि मुख्य सूचना अधिकारी है एमके राउत। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त है यह है आपके धनवेंद्र जायसवाल और मुख्य सूचना अधिकारी है एमके राउत, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है धान खरीदी विपणन वर्ष 2022-23। ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रदेश में जो धान की खरीदी करने वाली संस्था है उसका नाम है मार्कफेड। मार्कफेड के द्वारा धान की खरीदी की जाती है। हमारे प्रदेश में धान की खरीदी की जा रही है 1 नवंबर 2022 से लेकर के 31 जनवरी 2023 तक, ठीक है। ये जो खरीदी है वैसे तो दिसंबर के महीने से शुरू होती थी, लेकिन इस साल जो है एक महीने पहले ही धान की खरीदी शुरू कर दी गई है। धान की खरीदी की जाएगी 1 नवंबर 2022 से लेकर के 31 जनवरी 2023 तक। इस साल जो है प्रदेश सरकार के द्वारा 110 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। पिछले साल लगभग 98 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई। इस साल प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 31 जनवरी 2023 तक हम 110 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी कर लेंगे। अगर हम बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो केंद्र सरकार के द्वारा 2040 रुपए प्रति क्विंटल सामान्य धान के लिए और 2060 रुपए प्रति क्विंटल ग्रेड ए धान के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है। हमारे प्रदेश में जो है आपके 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी होती है, अभी तो इस बार तो है वो उस राशि को भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है खरीदी तो आपके इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होती है, और जो अतिरिक्त राशि है उसे सरकार अलग से ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना है। अगर बात करें कि हम अगर बात करें 31 अक्टूबर इस डेट तक अभी इस धान खरीदी के लिए 25.72 लाख किसान पंजीकृत हुए, रजिस्टर्ड हुए। देखिए ये डाटा चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, क्योंकि अभी भी रजिस्ट्रेशन जारी है, ठीक है। लास्ट ईयर भी हुआ था, लास्ट ईयर मैंने करंट अफेयर में मेंशन किया था, लेकिन फिर बाद में फिर जब और डाटा आता है, जब धान खरीदी कंप्लीट हो जाता है 31 जनवरी को, तो उसके बाद ये डाटा चेंज होता है। फिर बाद में स्टूडेंट बोलते हैं कि सर डाटा जो है आपने मिसप्रिंट किया है। मिसप्रिंट जैसा कुछ चीज नहीं होता। देखिए 1 नवंबर से धान की खरीदी हो रही है, गवर्नमेंट के ही ऑफिशियल जनसंपर्क विभाग के आपके वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। अभी जो पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है, 25.72 लाख किसानों ने पंजीकृत किया है, अपना रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, धान बेचने के लिए सरकार के पास। ये तो रजिस्टर्ड है, अब इसमें से कुछ कम जो आपके किसान है वो धान बेचेंगे, सभी के सभी नहीं बेच पाएंगे, कुछ ही बेच पाते हैं, उसको आगे हम और कवर करेंगे जनवरी के महीने में, ठीक है। अगर हम बात करें खरीदी केंद्रों की, इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रदेश में जो है धान खरीदी के 2497 खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं। धान खरीदी के लिए जो है आपके 2497 खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं, पिछले साल से 13 अधिक है ये, ठीक। हमारे प्रदेश में जो है एक जो प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी, ठीक है, प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी, ये अधिकतम सीमा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सबसे पहला चीज तो डेट इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य इंपॉर्टेंट है, और खरीदी केंद्रों की संख्या इंपॉर्टेंट है, और अधिकतम कितने एकड़ प्रति एकड़ कितनी खरीदी की जा रही है ये इंपॉर्टेंट है, कथन आधारित प्रश्न बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मां अंगार मोती मेला। मां अंगार मोती मेला, इसका आयोजन होता है धमतरी जिले में, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा मेला आयोजित होता है आपके धमतरी जिले में। धमतरी जिले के गंगरेल और रुद्री वाले क्षेत्र में इस मां अंगार मोती मेले का आयोजन होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका आयोजन जो है ये दीपावली के बाद आने वाले जो प्रथम शुक्रवार है, ठीक है, जो दीपावली कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाया जाता है, दीपावली के बाद आने वाले पहले शुक्रवार को मां अंगार मोती मेले का आयोजन होता है। देखिए ये जो मां अंगार मोती है ये गंगरेल के 52 गांव की अधिष्ठात्री देवी है, ठीक है, जो गंगरेल है, गंगरेल के 52 गांवों की अधिष्ठात्री देवी है। यहां इस मंदिर, इस आपके मेले की आस्था क्या है, यहां पे संतानहीन सुहागिनें संतान की कामना के लिए लेटकर मन्नत मांगती है। देखिए ये है आपके अंगार मोती माला का मेला का एक दृश्य, जिसमें जो आपकी सुहागिन महिलाएं हैं जिनकी संतान नहीं है वो नीचे लेट करके आगे से जो है एक बैगा चलते हुए आता है, बैगा जो है त्रिशूल रशूल लेकर के आता है, जिसके ऊपर मां अंगार मोती आती है ऐसी मान्यता है। वो इन महिलाओं के ऊपर से चलते हुए आगे बढ़ता है, इनसे उस बैगा के चलने से इनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, संतान की जो इच्छाएं हैं ये पूरी होती है ऐसी मान्यता है।
तो ये जो आपका देखिए इस अंगारमोती माता की भी एक अपनी अलग कहानी है। ध्यान दीजिएगा, ये जो माँ अंगारमोती जो आपकी माता है, इनका जो मूल मंदिर है वो है आपकी चवरग्राम में। चवरग्राम में इनका मूल मंदिर था, लेकिन जब गंगरेल डैम बनाया गया, देखिए जब आपके वर्ष 1972 में गंगरेल डैम का निर्माण हुआ तो चवर गांव के साथ साथ आसपास के जो 52 गांव थे वो भी इस गंगरेल डैम के डुबान क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। और जो मूल मंदिर था आपका चवर गांव, जहां पे आपके मां अंगारमोती का जो मूल मंदिर था, वो भी इस गंगरेल डैम के डुबान क्षेत्र में आ गया। लेकिन बाद में गंगरेल डैम के ही कुछ दूरी पर उसके तटवर्ती क्षेत्र में माता की प्रतिमा स्थापित की गई। माता की प्रतिमा के ऊपर कोई भी मंदिर का निर्माण नहीं किया जाता, मंदिर का निर्माण किया भी जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो मंदिर ऑटोमेटिकली टूट जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिले के दो जगह में विराजित होती है आपकी मां अंगारमोती। मां अंगारमोती जो कि ऋषि अंगिरा की पुत्री थी, ठीक है, ऋषि अंगिरा की पुत्री थी, ये दो स्थान पर विराजित होती है, एक तो आपके गंगरेल में और दूसरा रुद्री रोड में। रुद्री रोड में एक जगह है जिसका नाम है आपका सीता कुंड, ठीक है, दो जगह पर स्थापित होती है। जो आपके गंगरेल है, गंगरेल में माता का पैर स्थापित है, जबकि रुद्री जो आपका रोड है आपका सीता कुंड में, वहां पे माता का धड़ स्थापित है। एक्चुअली में घटनाक्रम क्या है कि जो कुछ चोर थे, चोर जो है माता की प्रतिमा चुराने का प्रयास किए, वो माता की प्रतिमा का धड़ तो चुरा लिए लेकिन पैर वहीं रह गया। तो गंगरेल वाले हिस्से में पैर रह गया और कुछ दूरी में जाने के बाद जो है वो माता की प्रतिमा को वो जो चोर है वो नदी में, महानदी में प्रवाहित कर देते हैं। कुछ समय के पश्चात जो है वहां के मछुआरों को जाल में फंसा हुआ माता का वह धड़ मिलता है और उस माता के धड़ को वो स्थापित कर देते हैं इस गंगरेल से कुछ ही दूरी पर आपके सीता कुंड रुद्री रोड में, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक स्थानीय कहानी प्रचलित है। तो गंगरेल बांध जब बना आपके वर्ष 1972 में इसका निर्माण हुआ, तब धमतरी जिले के जो 52 गांव है जिनकी यह अधिष्ठात्री देवी है इस बांध के अंदर समाहित हो गया, उन्हीं में से एक गांव था जहां पर माता का मूल मंदिर स्थापित था जो कि था आपका चवर गांव, वो भी इस आपके बांध के अंतर्गत आ गया। ग्राम चवर में माता जी की मूर्ति 600 साल से अधिक विराजित था। निर्माणाधीन बांध के अंतर्गत आ जाने के कारण उनकी प्रतिमा गंगरेल बांध के एक छोर में चबूतरे में विशाल पेड़ के नीचे स्थापित है, यानी कि पेड़ के नीचे खुले आसमान में माता की प्रतिमा स्थापित है। उस प्रतिमा के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी मंदिर का निर्माण नहीं किया गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मां अंगारमोती मेले का आयोजन कहां होता है धमतरी जिले में, कब होता है, कार्तिक अमावस्या यानी कि दीपावली के बाद आने वाले पहले शुक्रवार को, ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है, मां अंगारमोती मेला ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 36वां नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल 2022 जिसका आयोजन हुआ कहां पर, गुजरात में, नेशनल गेम्स, ठीक। देखिए पहला चीज तो ये कि जो अभी वर्ष 2022 में कौन से नंबर का नेशनल गेम्स आयोजित हुआ, 36वें नंबर का, नेशनल करंट अफेयर पूछता है, 36वें नंबर का नेशनल गेम्स का आयोजन वर्ष 2022 में किस राज्य में हुआ, यह हुआ आपके गुजरात में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए इस नेशनल गेम्स में जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ ने कुल 13 मेडल जीते, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 6 जो है आपके ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि 2 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीता हमारे छत्तीसगढ़ ने। और इन पदकों के साथ हमारा छत्तीसगढ़ देश में 22वें स्थान पर रहा इस नेशनल गेम्स में। देखिए इसमें अलग अलग खेल में जो है अलग अलग पदक जीते गए। अब कुछ खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं, सभी के तो नाम आप याद नहीं रख सकते, तो ध्यान दीजिएगा, बैडमिंटन, इसके लिए पेटेंट प्लेयर है कौन, आकर्षी कश्यप जिसने स्वर्ण पदक जीता। सेकंड नंबर पर है स्पीड स्केटिंग जो कि 1000 मीटर का था, उसमें अमितेश मिश्र ने स्वर्ण पदक जीता। स्पीड स्केटिंग जो कि 10000 मीटर का था, उसी में अमितेश मिश्र ने रजत पदक जीता। ध्यान दीजिएगा इस साल के ये हमारे स्टार प्लेयर है एक और जो मैंने आपको नाम याद करवाया था, ज्ञानेश्वरी यादव जो कि वेटलिफ्टर है, और एक अमितेश मिश्र, इनका भी नाम याद रखना। अमितेश मिश्र जो कि क्या है, स्पीड स्केटिंग से संबंधित है, इस साल उन्हें राज्य अलंकरण पुरस्कार में गुंडाधूर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और यह प्रश्न बनेगा, ठीक है, वर्ष 2022 में गुंडाधूर राज्य अलंकरण पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया, अमितेश मिश्र को, ठीक है, स्टार प्लेयर है, इनका नाम याद रखना, अमितेश मिश्र जो कि स्पीड स्केटिंग से संबंधित है। उसके अलावा केनोइंग या कयाकिंग, इस खेल में जो है आपके कौशल नंदिनी ठाकुर ने रजत पदक जीता। ये आपके कैनोइंग क्या होता है, एक छोटा सा बोट होता है जिसके अंदर बैठ करके प्लेयर आपके नदी को पार करता है, ठीक है, एक तरीके की नौका रेस है, एक तरीके का क्या है आपका नौका रेस है।
तो इसमें जो है कौशल नंदिनी ठाकुर ने रजत पदक जीता। अब देखिए तलवारबाजी, तलवारबाजी में राजेंद्र एस सरजिन ने जो है रजत पदक जीता। इतने नाम आपको याद रखने, बाकी के सभी के सभी जो है पुरुष वर्ग, पुरुष वर्ग, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, इनको नहीं भी करेंगे याद तो भी चलेगा, लेकिन ये जो खिलाड़ियों के जो नाम है इनको याद रखना। राजेंद्र एस सरजिन का जो संबंध है ये तलवारबाजी से है, यानी कि फेसिंग, और जो आपके बैडमिंटन से आकर्षि कश्यप, स्पीड स्केटिंग से अमितेश मिश्रा, और आपके कैनोइंग से जो है कौशल नंदिनी ठाकुर, इनके नाम आपको पहले याद रखने हैं, ठीक है। और नेशनल गेम्स का आयोजन कहां हुआ, गुजरात में, 36वें नंबर का था। छत्तीसगढ़ ने कुल 13 पदक जीते, 2 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 6 कांस्य पदक छत्तीसगढ़ ने जीता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022। देखिए इस स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 इसमें हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये रहा आज के सेकंड पोजीशन पर, 1000 से अधिक नगरीय क्षेत्रों में, ठीक है। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में पहले नंबर पर रहा मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर रहा हमारा छत्तीसगढ़, सेकंड पोजीशन पर रहा क्या हमारा छत्तीसगढ़, और थर्ड पोजीशन पर रहा आपका महाराष्ट्र। प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार शहरी 2022 में हमारा छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर था, सेकंड पोजीशन पर था। अगर हम बात करें नगर निगमों की जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है, उसमें हमेशा की तरह इस बार भी, हमेशा की तरह इस बार भी इंदौर जो है ये टॉप में रहा, ठीक है। इंदौर जो है टॉप में रहा और हमारा अंबिकापुर इस टॉप 10 की सूची में 10वें स्थान पर था। कौन से नंबर पर, 10वें स्थान पर था, ठीक है। वैसे तो हमारा जो आपका अंबिकापुर है, अंबिकापुर नगर निगम हमेशा टॉप 3 या टॉप 5 में रहता था, लेकिन इस बार ये 10वें नंबर पर है, ठीक है। इंदौर टॉप 10 स्वच्छ शहरों की अगर हम बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 10 सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में हमारा अंबिकापुर 10वें स्थान पर रहा, ठीक है। अगर हम अलग अलग जनसंख्या के आधार पर अगर हम और डिवाइड करें तो ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या के आधार पर ईस्ट जोन, सबसे पहले तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है ये कौन से जोन में आता है, ईस्ट जोन। ईस्ट जोन में आपके 15,000 से कम आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो सबसे साफ सिटी 15,000 से कम आबादी वाले क्षेत्रों में ये था आपका विश्रामपुर, छत्तीसगढ़ का विश्रामपुर ईस्ट जोन में, ठीक है। ईस्ट जोन के आपके राज्यों में सबसे साफ सुथरा शहर जिनकी आबादी 15,000 से कम है वो रहा विश्रामपुर, और 15,000 से 25,000 के मध्य आबादी वाले शहरों में सबसे साफ आपका शहर रहा खोंगापानी, खोंगापानी जो कि आपके कोरिया जिले में है। विश्रामपुर देखिए, ये जो आपका विश्रामपुर कितने आबादी में है, 15,000 से कम आबादी वाले क्षेत्रों में। खोंगापानी कितने में है, 15,000 से लेकर 25,000 आबादी वाले क्षेत्रों में। अब एक है आपका सेल्फ सस्टेनेबल सिटी, ये जो है एक श्रेणी है स्वच्छता के, उसमें सेल्फ सस्टेनेबल सिटी, उसमें बलरामपुर जो है ये आपका सेल्फ सस्टेनेबल सिटी 15,000 से कम आबादी वाले क्षेत्रों में। वैसे ही 15 से 25,000 आबादी वाले जो आपके शहरी क्षेत्र है उसमें सेल्फ सस्टेनेबल सिटी जो है वो रहा आपका अकलतरा, जांजगीर चांपा का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें ईस्ट जोन के 25,000 से लेकर के 50,000 आबादी वाले शहरों में, तो इसमें सबसे क्लीन सिटी रहा ईस्ट जोन में वो था आपका जशपुर नगर, और 50,000 से लेकर के 1 लाख आबादी वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्लीन सिटी रहा आपका चिरमिरी, ठीक है, जो आपका नया जिला बना है आपका मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी, उसका चिरमिरी जो है ये सबसे स्वच्छ शहर रहा। अगर हम सेल्फ सस्टेनेबल सिटी की बात करें तो 25 से 50,000 आबादी वाले उसमें आपके सेल्फ सस्टेनेबल सिटी रहा आपका कवर्धा, और 50,000 से 1 लाख आबादी वाले शहरों में भिलाई चरोदा जो है ये सेल्फ सस्टेनेबल सिटी के रूप में सामने आया है। और 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सबसे आगे है, वो है आपका अंबिकापुर, ठीक है, इसे याद रखना है। छत्तीसगढ़ जो है ये सबसे स्वच्छ राज्यों की सूची में कौन से नंबर पर है, सेकंड, टॉप 3 के नाम याद रखना है। पहले नंबर पर कौन सा है, पहले नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़, और थर्ड नंबर पर है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना, जिसे रीपा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रीपा ये इसका लोगो है, ठीक, रीपा, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क छत्तीसगढ़, इसकी शुरुआत की गई आपके 2 अक्टूबर 2022 को, डेट इंपॉर्टेंट है याद रखना। महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर आपका जो है रीपा योजना, यानी कि महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना की शुरुआत की गई। यह जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत हुई। क्या है, देखिए
ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित गौठानों को, देखिए जो गौठान है सुराजी ग्राम योजना का ही एक हिस्सा है, गौठान को आजीविका के केंद्र के रूप में विकसित करना, यानी कि जो गौठान है उसे एक आजीविका का केंद्र बनाना, अतिरिक्त आय उससे जनरेट कर सके। इसके देखिए इसमें जो है टोटल 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क प्रथम चरण में स्थापित किए जाएंगे, शिलान्यास किया गया है, ठीक है। प्रत्येक विकास खंड में 2 रीपा यानी कि महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जाएंगे, प्रत्येक विकास खंड में 2। देखिए इसके लिए जो है गौठानों में गौठानों में 1 से लेकर 3 एकड़ की भूमि इसमें आरक्षित की जाएगी। गौठानों में वर्मी कंपोस्ट का निर्माण, मुर्गी पालन, बकरी पालन, कृषि उद्यानिकी फसलें तथा लघु वन उपज प्रसंस्करण की इकाइयां स्थापित की जा रही है, और साथ ही आटा चक्की, दाल मिल, तेल मिल की स्थापना की जा रही है। यानी कि गौठानों को इस इंडस्ट्रियल रूप से, इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करना, ताकि वो जो है आजीविका का एक साधन बने। तो ये है आपका रीपा। रीपा में एक इसको याद रखना, 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जाएंगे प्रथम चरण में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 20 द्वारिया मंदिर और पेदम्मागुड़ी मंदिर। हाल ही में दोनों मंदिर चर्चा में क्यों आए, देखिए हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा इन दोनों के दोनों ऐतिहासिक स्थलों को केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में शामिल किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण इस विभाग के द्वारा जो है हमारे प्रदेश में टोटल 46 स्मारकों का संरक्षण जो है केंद्रीय स्मारक के तौर पर किया जा रहा है। अगर ये दो स्थान शामिल हो जाते हैं, कौन कौन सा, 20 द्वारिया मंदिर और पेदम्मागुड़ी मंदिर, तो केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की संख्या हो जाएगी कितना, ये हो जाएगा आपका 48। हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्ताव बनाकर के केंद्र सरकार को भेज दिया गया है, अगर केंद्र सरकार से अप्रूवल मिल जाता है तो केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 48। तो कौन से दो स्थानों को जो है केंद्रीय संरक्षित स्मारक के रूप में संरक्षित करने का प्रयास कर रही है प्रदेश सरकार, तो दो स्मारक है, एक है आपके रतनपुर का 20 द्वारिया मंदिर और दूसरा है आपका बारसूर का पेदम्मागुड़ी मंदिर। अब ये मंदिर है क्या, देखिए जो 20 द्वारिया मंदिर है ये बिलासपुर जिले के रतनपुर में स्थित है आपके 20 द्वारिया मंदिर, जिसे सती मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कुछ जगहों में आपको सती मंदिर लिखा हुआ मिलेगा। सती चौरा की बात नहीं कर रहा हूं, सती मंदिर की बात कर रहा हूं, नाम से स्पष्ट है 20 द्वारिया मंदिर। देखिए जो 20 द्वारिया मंदिर है इसमें जो है टोटल 20 द्वार है, ठीक है, इस 20 द्वारिया मंदिर में जो है टोटल 20 एंट्रेंस गेट यानी कि 20 द्वार है। ये कलचुरी कालीन मंदिर है, यहां पर कोई भी प्रतिमा नहीं है, यानी कि मंदिर तो बना हुआ है लेकिन इस मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 20 द्वारिया मंदिर किस धर्म से संबंधित है, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके गर्भगृह में कोई प्रतिमा स्थापित ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा ये जो मंदिर है ये ईंट और चूना पत्थर से निर्मित है, और इस मंदिर का देखिए कलचुरी कालीन मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया इसका कोई आपका साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन अनुमान क्या लगाया जाता है कि जो राजा आपका राज सिंह है जो कि कलचुरी कालीन शासक है, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया होगा, लेकिन एकदम 100% ऐसा कहा नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि इस मंदिर के अंदर लिखा हुआ है राजा राज सिंह भव्य स्मारक, ऐसा लिखा हुआ मिलता है, लेकिन कोई भी अभिलेख में या कोई भी कलचुरी कालीन ऐतिहासिक लेख में इस मंदिर का निर्माण राजा राज सिंह ने कराया ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन मंदिर के दीवारों में लिखा हुआ है राजा राज सिंह भव्य स्मारक, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि जो मंदिर है यह कलचुरी कालीन है और राजा राज सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कराया होगा, ठीक है। दूसरा है आपका पेदम्मागुड़ी मंदिर। पेदम्मागुड़ी मंदिर ये मौजूद है आपके दंतेवाड़ा के बारसूर में मौजूद है पेदम्मागुड़ी मंदिर। इस पेदम्मागुड़ी मंदिर जो है ये छिंदक नागवंशीय कालीन मंदिर है, ठीक है, छिंदक नागवंशीय कालीन मंदिर है। यहां पर जो है जो प्रतिमा है ये माता पार्वती की, जो स्थानीय जो यहां के ग्रामीण निवासी है, इस मंदिर के अंदर जो प्रतिमा स्थापित है उसे माता पार्वती की प्रतिमा बताते हैं। ध्यान दीजिएगा जो पेदम्मा है, पेदम्मा का अर्थ होता है बड़ी मां, तेलुगु भाषा में पेदम्मा का अर्थ होता है बड़ी मां। देखिए जो छिंदक नागवंशी शासक है कहां से आए थे, वारंगल से आए थे, तो वो जो है वहां उनकी भाषागत प्रभाव था, तो तेलुगु में जो आपको पेदम्मा का अर्थ क्या होता है, बड़ी मां। ध्यान दीजिएगा राजा अन्नम देव के शासनकाल से इस पेदम्मागुड़ी के निर्माण का प्रारंभ हुआ था ऐसा माना जाता है। सबसे बड़ा पेदम्मागुड़ी जो है वो है आपके दंतेश्वरी माता का मंदिर। दंतेश्वरी माता का मंदिर वो भी एक पेदम्मागुड़ी है, और हमारे बस्तर अंचल में स्थित सबसे बड़ा पेदम्मागुड़ी माना जाता है किसे, आपके दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी माता मंदिर को, ठीक है, वो भी एक पेदम्मागुड़ी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अन्नमदेव के शासनकाल का है आपका पेदम्मागुड़ी, इसे भी जो है इन दो स्थानों को प्रदेश सरकार
केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बन सकता है। प्रश्न पूछा जाएगा बीस द्वारे मंदिर किस जिले में है, बिलासपुर में है। पेदम्मागुड़ी मंदिर किस जिले में है, यह है आपके दंतेवाड़ा बारसूर में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका याशी जैन। याशी जैन, ये याशी जैन कौन है, यह है आपके पर्वतारोही। किस जिले की निवासी है, रायगढ़ जिले की निवासी है। हाल ही में चर्चा में क्यों रही, इन्होंने जो है माउंट किली मंजारो जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर, ये स्थित है आपके तंजानिया देश में। ये एक जो माउंट किली मंजारो है ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, इस पर इन्होंने पर्वतारोहण किया। ठीक है, अगर हम याशी जैन की अन्य उपलब्धि की बात करें तो वर्ष 2017 में इन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप और काला पत्थर जो कि नेपाल में है उस पर पर्वतारोहण किया था। मई 2018 में इन्होंने माउंट जोगिन जो कि उत्तराखंड में है उस पर पर्वतारोहण किया था। और वर्ष 2019 में इन्होंने माउंट एल्ब्रूस जो कि यूरोप में है इस पर इन्होंने पर्वतारोहण किया था। अब देखिए, हमारे प्रदेश के एक पर्वतारोही है जिनका नाम है चित्रसेन साहू, उससे पिछले साल के पीएससी में प्रश्न बना था। और प्रश्न कैसा पूछा जाता है, देखिए, ये जो आपको पर्वत दे देता है और पर्वत के आगे उसके देश का नाम दे देता है। ठीक है, याद रखना माउंट किली मंजारो जो कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जो कि तंजानिया में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। याशी जैन रायगढ़ निवासी पर्वतारोही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग। आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग, इस आकांक्षी जिले के डेल्टा रैंकिंग में हमारे प्रदेश का जो नारायणपुर जिला है, नारायणपुर, ये जो है इसमें टॉप 5 की सूची में शामिल रहा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रदेश में ये जो आपकी आकांक्षी जिला की डेल्टा रैंकिंग है, देश में टोटल 112 जिले जो है ये आकांक्षी जिले की सूची में शामिल है। हमारे प्रदेश के 10 जिले जो है इस आकांक्षी जिले की सूची में शामिल है। अभी 10 जिले कौन कौन से है, ध्यान दीजिएगा, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, 7 जिले जो है, 7 जिले ये बस्तर संभाग के है, डायरेक्ट ऐसे याद रख लेना, बस्तर संभाग के 7 जिले, ठीक, प्लस कोरबा, राजनांदगांव और एक है आपका महासमुंद, टोटल 10। तो आपके बस्तर संभाग के 7 जिले कौन कौन से, एक हो गया आपका कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, ये 7 हो गए। 8वां राजनांदगांव, 9वां कोरबा, 10वां महासमुंद, उसको भी याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो राजनांदगांव, कोरबा, महासमुंद एक त्रिकोण बनता है। ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हैं कि हमारे प्रदेश में टोटल 10 जिले जो है यह आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो अक्टूबर में जो डेल्टा रैंकिंग आया इसमें नारायणपुर का प्रदर्शन जो है यह बेहतर रहा। अगर हम बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस में, अक्टूबर महीने में इसकी रैंकिंग रही 5वें स्थान, ये जो है आपके टॉप 5 में शामिल रहा। स्वास्थ्य एवं पोषण की श्रेणी में सेकेंड पोजिशन पर रहा, जबकि शिक्षा श्रेणी जो है इसमें यह 4th पोजिशन पर रहा। तो नारायणपुर जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में कितने कौन से स्थान पर था, यह था आपके 5वें स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मनोज मंडावी जो कि कांकेर के विधायक थे और हमारे प्रदेश के 5वीं विधानसभा, अभी जो वर्तमान विधानसभा है, 5वीं विधानसभा के विधानसभा उपाध्यक्ष थे। ठीक है, विधानसभा उपाध्यक्ष थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, दिल की बीमारी के कारण जो है इनका हाल ही में निधन हुआ, इनको जो है अटैक आया जिनसे इनका निधन हुआ। तो जो मनोज मंडावी जी थे ये आपके कांकेर के विधायक थे और हमारे प्रदेश के विधानसभा के जो है ये उपाध्यक्ष थे। क्या थे, उपाध्यक्ष थे, नाम याद रखना। अब चूंकि इनका निधन हो गया है तो कांकेर की विधानसभा सीट हो गई खाली। अब हमारे प्रदेश में होगा आपका उपचुनाव, कांकेर की विधानसभा सीट में होगा उपचुनाव, यह हमारे प्रदेश का 5वां उपचुनाव होगा। ठीक है, 5वां विधानसभा उपचुनाव होगा। देखिए, अभी तक जो है अगर हम बात करें, वर्ष 2018 में भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, तब से लेकर के अब तक जो है टोटल 4 विधानसभा उपचुनाव हो चुके हैं। अगर कांकेर को भी हम लेकर के चले तो यह होगा 5वें नंबर का उपचुनाव। देखिए, सबसे पहले जो है आपके चित्रकूट, सबसे पहले जो चित्रकूट विधानसभा सीट थी यहां पर जो है आपके रामजन बैज, यहां पर जो है आपके दीपक बैज यहां पर आपके विधायक थे, लेकिन उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जो है कांग्रेस पार्टी के रामजन बेंजाम यहां से विधायक बने।
ठीक। सेकंड नंबर पर था आपका दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में वर्ष 2019 में यहां पर भाजपा विधायक थे भीमा मंडावी, जिनका नक्सलवादियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद यहां पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के पश्चात देवती कर्मा जो है यहां से विधायक बनी कांग्रेस की। मरवाही जो है यहां पर वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से विधायक थे अजीत जोगी जी, जो कि हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। इनका निधन हुआ, इनके निधन के पश्चात कांग्रेस पार्टी के ध्रुव यहां पर आपके विजयी हुए और विधायक बने। अगर हम खैरागढ़ छुई खदान की बात करें, खैरागढ़ जो कि विधानसभा सीट है, यहां पर जो आपके तत्कालीन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के विधायक थे देवव्रत सिंह, जिनका आपके पिछले साल ही निधन हुआ, इसी साल निधन हुआ वर्ष 2022 में। अब यहां पर जो है इस सीट पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव के पश्चात यशोदा वर्मा यहां से जो है आपकी विधायक बनी, ठीक है। यशोदा वर्मा विधायक बनी। इसी आपके उपचुनाव के समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया था कि अगर हम खैरागढ़ सीट से विजयी हुए तो खैरागढ़ को जो है एक नए जिले का दर्जा देंगे। विजयी हुए और खैरागढ़ एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में भी आ गया। अब पांचवा उपचुनाव होने की संभावना है आपके कांकेर विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के चार नए मेडिकल कॉलेज, छत्तीसगढ़ में जो है चार नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है हमारे प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा। अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में हमारे प्रदेश में टोटल 13 मेडिकल कॉलेज है। इन 13 मेडिकल कॉलेज में से 10 आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और 3 प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। देखिए, घोषणा किया गया है कि प्रदेश में कबीरधाम, जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा और मनेंद्रगढ़, इन जगहों पर, इन चार जगहों पर मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, ठीक है। कबीरधाम को तो आप सभी को पता है, न्यूज में भी आया था कि आपका कबीरधाम जहां प्रदेश का 14वां मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कबीरधाम और हर जगह पे जो है 100 सीट के मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है। अभी घोषणा हुआ है, अभी कोई भी आपका प्रस्ताव पारित नहीं हुआ या केंद्र से कभी कोई अनुमति मिला नहीं है, केवल प्रस्ताव पारित हुआ है। तो चार स्थानों पर मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, एक है कबीरधाम, दूसरा जांजगीर चांपा, एक है आपका दंतेवाड़ा और चौथा है आपका मनेंद्रगढ़, ठीक है। अभी वर्तमान में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी है, टोटल है 13, 10 गवर्नमेंट और 3 आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अक्षय कुमार की फिल्म शूटिंग। ये करंट का टॉपिक नहीं है लेकिन नॉलेज में रख लीजिए। अक्षय कुमार जो है एक तेलुगु मूवी जिसका नाम है सोररई पोटरू, ठीक है, जो कि एक तमिल फिल्म है, एक तमिल फिल्म है। ये फिल्म जो है ये आपके, इसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। साउथ के एक बड़े एक्टर है जिनका नाम है आपका सिंघम सूर्या करके, ठीक है। काफी अच्छी मूवी है ये, जो आपका सोररई पोटरू, इसमें जो आपका जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, वो कम से कम कीमत में भारत के हर नागरिकों को उड़ान यानी कि फ्लाइट में उन्हें वायु परिवहन की सुविधा देना चाहता है। ये एक स्टोरी है, इसके एक बैकग्राउंड स्टोरी है। इसी का एक रीमेक बन रहा है, ठीक है, इसी फिल्म का रीमेक बन रहा है आपके बॉलीवुड में। उसमें मेन कैरेक्टर है आपके अक्षय कुमार। तो ये जो आपकी पूरी की पूरी फिल्म जो है ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है आपके एरोप्लेन पे। और उसी एरोप्लेन, जो हवाई पट्टी का उपयोग किया जा रहा है, वो हमारे रायगढ़ के हवाई पट्टी का उपयोग किया जा रहा है इस फिल्म के शूटिंग के लिए। तो इस फिल्म की शूटिंग के लिए 4 दिनों के लिए आए थे आपके अक्षय कुमार, आगे और भी आएंगे बाकी बची हुई शूटिंग करने के लिए। तो इनके फिल्म की शूटिंग हो रही है। देखिए, अभी तक जो है हमारे प्रदेश में बहुत से बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हुई है, लेकिन कोई बड़े बजट की फिल्म की शूटिंग अभी तक नहीं हुई थी। ये अब तक हुई सबसे बड़े बजट के फिल्म की शूटिंग है बॉलीवुड की, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना बस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तुंगल बांध इको पर्यटन केंद्र। सबसे पहले चीज की जो तुंगल बांध है, ये तुंगल बांध ये मौजूद है आपके सुकमा जिले में, ये शबरी नदी के ऊपर है। देखिए, एक्चुअली में जो ये तुंगल बांध है, ये जो तुंगल डैम है, ये एक नाले के ऊपर है और इसका पानी अंतिम रूप से जाकर के मिलता है शबरी नदी पर। अगर प्रश्न पूछा जाए तुंगल बांध किस जिले में है, तो ये है सुकमा जिले में। तुंगल बांध अगर पूछा जाए किस नदी के ऊपर है, तो आंसर ले लेना शबरी नदी। एक्चुअली में ये एक नाले के ऊपर है और इसका पानी अंतिम रूप से जाकर के शबरी नदी में विसर्जित होता है, ठीक है। इसका निर्माण वर्ष 1980 में हुआ था। इसे एक इको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह है आपका तुंगल जलाशय, तुंगल बांध, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। विविध सबसे पहले नंबर पर है आपका हुंगा वेल्ला मेला। हुंगा वेल्ला मेला जिसका आयोजन होता है आपके दंतेवाड़ा जिले के बिंजाम और गदापाल वाले क्षेत्र में आयोजित होने वाला ये मेले का बहुत महत्व है, ठीक है। अभी अक्टूबर के महीने में काफी चर्चा में भी रहा यह मेला। इस मेले से ना प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि अंगार मोती माता
का मेला जो है ये किस जिले में आयोजित होता है, धमतरी जिले में। हुंगा वेल्ला मेला ये किस जिले में आयोजित होता है, नारायणपुर में, बस्तर में, बीजापुर में, दंतेवाड़ा में। तो कहाँ आयोजित होता है, ये आयोजित होता है आपके दंतेवाड़ा में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में 10 नए राजस्व अन्न विभाग और 25 नए तहसीलों का उद्घाटन किया गया 17 अक्टूबर 2022 को। तो ऑफिशियल तरीके से 17 अक्टूबर 2022 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में राजस्व अनुविभाग की संख्या है 108 और तहसीलों की संख्या है 227। देखिए, अभी भी प्रदेश सरकार के द्वारा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा नए तहसीलों के गठन किए जाने की घोषणा की जा रही है, लेकिन अभी केवल घोषणाएं होती है, लेकिन उद्घाटन किसी का नहीं होता। ऑफिशियल तरीके से आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 25 नए तहसीलों का उद्घाटन किया गया 17 अक्टूबर को, और अक्टूबर 2022 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है, 227, इसे याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का एकलौता महालक्ष्मी मंदिर, अभी दीपावली का समय है, एक आर्टिकल आया था, प्रदेश का एकलौता महालक्ष्मी का मंदिर ये स्थित है आपका लखनी देवी मंदिर, जो कि इकबीरा पहाड़ी रतनपुर में स्थित है। ठीक है, रतनपुर के इकबीरा पहाड़ी में स्थित लखनी देवी मंदिर हमारे प्रदेश का एकलौता महालक्ष्मी मंदिर है, जिसका निर्माण 1179 ईस्वी में रत्नदेव तृतीय के मंत्री गंगाधर के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। छत्तीसगढ़ जीएस का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डबल डेकर क्रूज सफारी, ये कोरबा के सतरेंगा जलाशय में डबल डेकर क्रूज सवारी की सुविधा लाई गई है। क्या है क्रूज का मतलब होता है, एक लग्जरी बोट, ठीक है, लग्जरी बोट जो कि डबल डेकर यानी कि एक के ऊपर एक, डबल डेकर डबल स्टोरी। तो डबल डेकर क्रूज सफारी जो है ये कोरबा जिले के सतरेंगा में इसकी सुविधा दी जा रही है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। चूना पत्थर भंडारित क्षेत्र, हमारे प्रदेश में अभी हाल ही में कुछ नए चूना पत्थर भंडारित क्षेत्र का सर्वे किया गया। सॉरी, देखिए जैसे बलौदाबाजार में, बलौदाबाजार के हिरमी, करही, चंडी, खपराडी, यहां पर जो है चूना के भंडारण के यहां पर साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ जांजगीर चांपा के ढाबा डीही में चूना पत्थर भंडारण के साक्ष्य मिले हैं। इन कुछ नए जगहों के नाम याद रखिए, इससे प्रश्न बन सकता है कि ढाबा डीही चूना भंडारित क्षेत्र किस जिले में है, जांजगीर चांपा में। ठीक है, आपका खपरा डीही चूना भंडारित, चूना पत्थर भंडारित क्षेत्र किस जिले में है, बलौदाबाजार में। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां होता है आपके छत्तीसगढ़ करंट अफेयर अक्टूबर 2022 समाप्त। वीडियो काफी लंबा बना, पूरा अक्टूबर महीने करंट अफेयर हमने एक साथ किया, ठीक है, इत्मीनान से देखिएगा, थोड़ा समय निकाल करके। वीडियो भले लंबा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।